हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गली मॉम। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्स्ट क्राई हॉल। यस, मेरी प्यारी सी 1 ईयर ओल्ड बेबी गर्ल है जिसके लिए मैंने है कुछ कपड़े मंगवाए हैं फर्स्ट क्राई से। कुछ जो कपड़े हैं वो मैंने ऑलरेडी धो लिए हैं अच्छे से, उनको उसने बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर लिया क्योंकि वो विंटर्स के थे, स्वेट शर्ट्स बेसिकली। तो वो जो है वॉश्ड का रिव्यू मैं आपको दूंगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेंगे बेबी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और ट्रेवल ब्लॉग्स और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देती रहूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। एंड सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सबसे पहले है मेरे पास स्वेट शर्ट्स। मैंने अनंता के लिए स्वेट शर्ट्स मंगवाई थी, मतलब प्री विंटर के लिए। तो ये कुछ ऐसी जो है स्वेट शर्ट्स मेरे पास है, मतलब कम से कम 4-5 स्वेट शर्ट्स हैं, आपको अभी स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। तो ये सबसे पहली जो स्वेट शर्ट है ये है ऐसी, और ये है 9 से 12 मंथ के हिसाब से मैंने ली थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे कि मेरा जो प्रेफरेंस का रहती है बच्चों के कपड़ों के साइज के लिए, कि बच्चे के कपड़े पूरे पूरे होने चाहिए, मतलब वो झल्ले से नहीं होने चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब आप मान लो बेबी हग और बेबी ओएकेएम ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगाते हो तो आप क्या कीजिए, एक साइज अप ही लीजिए, क्योंकि हर 2 महीने बाद बच्चों को कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक साइज बड़ा ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि अभी तो बच्चे को आ ही रहे हैं बट कुछ टाइम बाद भी वो कपड़े जो है चलते रहेंगे। तो ज्यादा बड़ा मत लीजिए बट एक साइज अप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कर रही थी बात इस स्वेट शर्ट की। तो इस स्वेट शर्ट पे ऐसे कुछ बो बनी हुई है एंड ये काफी सिंपल और एलिगेंट सा डिजाइन है। यहाँ पे ऐसे इसका क्लोजर है, इसको बंद ऐसे किया जा सकता है। तो ये पहली स्वेट शर्ट है। सेकेंड जो स्वेट शर्ट है वो है ये रेड कलर की स्वेट शर्ट जिसपे लिखा हुआ है ड्रीम, ठीक है। तो ये फोल्ड हो गया है। तो मैं बता दूं कि ये जो सारे ही जो स्वेट शर्ट्स हैं वो जो है वो वॉश्ड हैं, अच्छी क्वालिटी की थी तो इसलिए अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। इसका जो क्लोजर है वो पीछे से है, ऐसे टिच बटन वाला है इसका, ठीक है, पीछे से है। एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी ना फ्रिल बनी हुई है, तो ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे स्वेट शर्ट। ये भी मैंने जो है 9 to 12 मंथ्स ही लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरे पास है ये बहुत ही प्यारी सी स्वेट शर्ट है। मुझे इसकी बाजू जो ना जो फ्रिल वाला जो वर्क है, यू नो लड़कियों के लिए मतलब काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाता है अच्छा, तो ये फ्रिल है, इस साइड भी फ्रिल है एंड काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। और इसको जस्ट ये पुल ओवर है, मतलब ये ऐसे ऊपर से खुलता है, ये पुल ओवर है, इसमें कोई क्लोजर वगैरह नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक ये स्वेट शर्ट, अभी ये वाली स्वेट शर्ट है, इसमें भी काफ़ी अच्छी जो है मिनी माउस बनी हुई है एंड ये भी एक पुल ओवर वाली, मतलब ऊपर से खुलती है। तो मैं इसके अलावा एक दो और स्वेट शर्ट्स होंगी जो कि इधर उधर होंगी, मैं पर उसकी पिक जो है साथ में लगा दूंगी कि कौन सी। तो बहुत ही अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है रहा है हमेशा बेबी हग या बेबी ओए के प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये वॉश्ड कपड़े हैं, काफ़ी अच्छे हैं, अभी भी ऐसे ही हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब बच्चे के कपड़े धोएंगे तो उसे प्लीज़ हाथ से ही कपड़े धोएं, ना ही वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी मत धोएं। क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से क्या होता है कि कपड़ों के जो ना रंग खराब हो जाते हैं, मैंने ये पर्सनली फील किया, थोड़ा फेंट हो जाता है कलर। तो नेक्स्ट, तो ये थी कुछ स्वेट शर्ट्स। लेगिंग्स में ये देखिए, ये लेगिंग्स है। तो मैंने क्या किया था कि ये जो लेगिंग्स हैं ये ऐसे ही हैं, जो ना इसके साथ बूटीज भी हैं, मतलब पैर में कुछ डालना भी या नहीं भी डालना है तो भी ये हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि इसमें से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसे मंगवाने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ मैं ये आपको बता देती हूँ कि जब अनंदिता को सॉक्स हम डालते थे तो वो अनंदिता खोल लेती थी, सर्दियों का टाइम था तो मैं क्या करती थी, वैसे तो ये प्योर कॉटन की हैं, वो स्वेटशर्ट्स भी प्योर कॉटन की थी, तो कॉटन की हैं, तो हम क्या करते थे कि इसके नीचे एक वार्म लेगिंग पहना देते थे और उसके ऊपर मतलब सॉक्स डलवा दी और उसके ऊपर ये डाल देते थे। इससे क्या होता था कि वो लेगिंग जो जुराबे थी, जो सॉक्स थी, वो बिल्कुल भी खोल पाती थी क्योंकि ये बंद है। तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा है। और ये जो लेगिंग्स है ये मैंने मंगवाई थी
9 to 12 मंथ्स में, और अभी भी उसे आ रही है, अभी वो अप्रॉक्स 1 मंथ की या 2 मंथ की तो आ रही है। बट स्वेटशर्ट्स जो है थोड़ी सी छोटी हो गई हैं उससे, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है। साइज बच्चे को पहना के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बड़ा भी चलेगा तो आप बड़ा भी साइज ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी लेगिंग्स हैं, ऐसी फ्रिल्स हैं, सभी में ऐसी फ्रिल्स हैं। तो ये मैंने क्या किया था, 3 का सेट ले लिया था, तो 4 से 5 वो थी स्वेटशर्ट्स थी और उसके साथ 6 लेगिंग्स थी। तो ये लेगिंग्स के कलर ऐसे हैं कि वो सारे ही उसमें चले जाते हैं, मतलब जितने भी मैंने स्वेटशर्ट्स ली थी उन सभी में के साथ ये कलर्स जो है वो चले जाते थे। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इलास्टिक बहुत अच्छी है। डायपर जब हम बच्चे को डालते हैं तो उसमें एक सफिशेंट जो है एक मतलब एरिया मिल जाता है डायपर के लिए, क्योंकि डायपर के बाद थोड़ा सा एरिया ज़्यादा चाहिए होता है बच्चे को। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इनका रंग भी बिल्कुल फेंड नहीं हुआ है। बस इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो हाथ से धोने ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि मशीन में, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मशीन में मैंने देखा है कि थोड़े फेंड हो जाते हैं कलर्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो बात की थी मैंने कि विंटर्स में, प्री विंटर्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने तो इवन विंटर में भी इसे यूज किया, स्वेटशर्ट डाल दो उसके ऊपर, जैकेट डाल दो, कुछ वार्म आप स्वेटर से डाल सकते हो, तो ये काफी ज्यादा सूटेबल है। अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, अब गर्मियां आने वाली हैं, तो भी अभी इतनी ठंड नहीं है या इतनी गर्मी नहीं है कि उससे मैं कॉटन के डायरेक्ट कपड़े मतलब पतले वाले कपड़े डलवाऊँ, तो उस केस में भी ये बहुत अच्छे हैं। इस टाइम भी वो बहुत अच्छे से ये पहन। तब बात करेंगे कुछ कॉटन के कपड़ों की जो कि है स्पेशल फॉर द समर्स। और वैसे मैं बेसिकली आपके साथ एक बात भी शेयर करूंगी, वो ये है कि फर्स्ट क्राई ऐप पे ना 60% ऑफ भी लगता है, तो यू शुड वेट फॉर द 60% डिस्काउंट, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा कि इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, 60% ही डिस्काउंट मिलता है। तो 50% डिस्काउंट लेने की बजाय आप 60% डिस्काउंट पे फोकस करें। कई बार लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 60% डिस्काउंट तभी मिलता है जब 3 ले या 4 लें या 5 लें, तो कई बार ऐसा होता है कि 60% डिस्काउंट आपको सीधा ही फ्लैट 60 मिल जाता है कि विदाउट आप 1 लें या 10 लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोशिश करें जब 60% जो है डिस्काउंट वो मैक्स है उस पे जरूर लें, उसे मिस मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट है मेरे पास नंदिता के लिए गर्मियों के लिए वंजीज। यस, मैंने वंजीज ली हैं, तो ये कुछ ऐसी हैं वंजीज। इस पे लिखा हुआ है आई लव, तो बेसिकली इसका ये वंजीज है, यहाँ से इसका क्लोजर है, तो ये है 18 to 24 मंथ का इसका जो है प्योर कॉटन की है, और ये बेबी ओए प्रोडक्ट के हैं, मतलब बेबी ओए ब्रांड के हैं। तो ये 5 है, 5 के 5 जो है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे हैं, फोटो भी साथ में लगा दूंगी। तो वंजीज लेने का पर्पज़ ये था कि जब बच्चा मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो जाएगी तो विदाउट अगर पैजामा या लेगिंग्स के भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ से ये वंजी है और नीचे से बंद हो जाती है। नेक्स्ट जो कलर है वो है ये भी बहुत सुंदर सा प्रिंट है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। फटाफट से नेक्स्ट जो है वंजीज वो भी दिखा देती हूँ। बताना भूल गई, तो यहाँ से ये क्लोजर है, ठीक है, यहाँ पे 2 बटन लगे हुए हैं, तो बड़ी इजीली मतलब प्रॉपरली बच्चे थोड़े इरिटेट हो जाते हैं जैसे हेड से जब हम कपड़े डलवाते हैं, तो यहाँ पे साइड से टिच बटन है, तो मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी इनकी। और 5 के 5 5 मैंने आपको दिखाए, बहुत ही अच्छे डिजाइन हैं,
और गर्मियों के लिए इससे बेटर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। मतलब अभी ऐसा मौसम है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो गर्मियाँ भी इतनी जल्दी ऐसी नहीं आ जाएंगी कि हम स्ट्रिप्स वाले उसको डलवा दें। तो धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, तो पूरी बाजू के ही अभी कपड़े पहने जाएंगे। तो मैंने जो साइज़ लिया वो 18 to 24 मंथ है। तो नेक्स्ट जो मैं आपके साथ इनके जो साथ में पेयर अप करने के लिए मैंने जो लेगिंग्स लिए हैं वो भी मैं आपके साथ दिखा देती हूँ, आपको साथ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेगिंग्स का आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे पैक्स में मुझे लेगिंग्स जो आई हैं। तो ये क्या था कि 2 का सेट था, मतलब 2 लेगिंग्स का सेट था। तो मैंने 6 लेगिंग्स जो है मंगवा ली हैं। जो वंजीज थी वो पैक ऑफ 5 थी और जो लेगिंग्स है वो पैक ऑफ 2 हैं। तो मैंने बेसिकली 3 तरह की लेगिंग्स जो है मंगवा ली हैं। ये भी बेबी हग ब्रांड की ही हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये आई हैं। अच्छा, वो जो वंजीज हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, जो वंजीज हैं वो बेबी ओई ब्रांड की है और जो लेगिंग्स हैं वो बेबी हग ब्रांड की हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि सभी का डिज़ाइन जो है वो सिमिलर है, सभी एक ही तरह के, बट जो कलर है वो डिफरेंट है। तो ये देखिए सबसे पहले ये जो है लेगिंग्स, ये जो लेगिंग्स है इसके ऊपर जो है बो बनी हुई है, विच इज़ वेरी क्यूट, यू नो। मतलब लड़कियों के लिए कितना कुछ होता है, मतलब बहुत मज़ा आता है लड़कियों के कपड़े खरीदते वक्त। तो ये है, एंड इसके साथ जो थी इसी के पैक में थी वो ये है, ये देखिए ठीक है। तो ये ऐसे बो बनी हुई है। तो फटाफट से बाकी भी सभी लेगिंग्स के डिज़ाइंस मैं दिखा देती हूँ कैसे हैं। डिज़ाइन सेम है बट कलर्स दिखा देती हूँ, यू नो होता है ना, सभी दिखाओ मुझे। था मतलब सामान जो मैंने नंदिता के लिए मंगवाया है फर्स्ट क्राई ऐप से। इसके अलावा मैंने उसके लिए एक जैकेट भी मंगवाई थी। मुझे लगा कि ये जो जैकेट है वो धुली ना हो, तो धुली हुई थी बट अभी सूख गई है। तो ये जो जैकेट है ये भी मैंने जो है नंदिता के लिए स्पेशली मंगवाई थी, क्योंकि जब धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब चाहे जितना मर्जी मोटा स्वेटर हो बट फिर भी ठंड लगती रहती है बच्चे को। तो ये जो है रिवर्सिबल जैकेट है, ये देखिए कितना ही अच्छा, मतलब ये रिवर्स साइड है। और आप आपको लग रहा, मतलब अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लग रहा होगा कि ये शायद इसकी फ्रंट साइड है, नो ये इसकी रिवर्स साइड है। ये रिवर्सिबल जैकेट है, मैं इसका दूसरी साइड से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुछ ऐसी जैकेट है, मैं आपको फोटो भी लगा दूंगी। तो ये जैकेट है, यहाँ पे इसकी पॉकेट्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है बट डिज़ाइन है। और इसका जो मटेरियल है वो है 100% पॉलिएस्टर है और ये काफ़ी ज़्यादा वार्म है। यू कांट इमेजिन कि मुझे मालूम है कि जब धुंध होती थी, जब नंदिता को कहीं लेके जाना होता था, तो मैं यही जैकेट जो है प्रेफर करती थी। इसके ऊपर ये ऐसी कैप है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कैप है। जैकेट है ना वो थोड़ी सी बड़ी मंगवाइएगा, क्योंकि कपड़ों के ऊपर डालनी होती है और इन्होंने इस तरह से इसे डिज़ाइन किया हुआ है कि मतलब कहने का मतलब कि प्रॉपर साइज़ का बनाया हुआ है। जैसे अगर 12 मंथ्स का बच्चा है तो 12 मंथ्स का ही साइज़ जो है दिया होता है, क्योंकि आपने जो डाला होता है वो बच्चों को कपड़े डलवाने के ऊपर डलवाना होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है एक साइज़ बड़ा जरूर लीजिए। आप देख लीजिए कि आप बच्चे को कपड़े डलवाने के बाद ये श्योरली आ जाना चाहिए। तो अनंदिता की ये जैकेट है, इसको कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हमने इसको यूज़ किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये जैकेट है। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी। तो गाइज़ ये था फर्स्ट क्राई हॉल, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े लगते हैं फर्स्ट क्राई के। आप डेफिनेटली जो है ख़रीद सकते हैं, कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइज़, और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज़ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको कौन से कपड़े अच्छे लगे, आप कैसी वीडियोस चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि टू होम मेरी जो वीडियोस पहुंच रही हैं कहाँ तक। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, माई इंस्टाग्राम आईडी इज़ द गर्ली मॉम, अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं बाकी चिट चैट किसी अगली वीडियो में करते हैं। बाय।